महाराष्ट्र में किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। कभी मंडियों में उपज का उचित दाम नहीं मिलता तो कभी बेमौसम बारिश में फसलों को नुकसान हो रहा है। लेकिन इस समय राज्य में कपास उत्पादकों को इन दोनों ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश में रबी की फसलों का जहां बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा कपास और सोयाबीन की फसल को अधिक नुकसान देखने को मिला है। किसानों का कहना है कि इस बारिश में तैयार फसल खराब होने से अधिक नुकसान हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर बाजारों में नए कपास का दाम 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। किसानों ने कहा है कि इस बार हम किसानों को डबल नुकसान झेलना पड़ा है। किसानों का कहना है कि पिछले साल कपास का रिकॉर्ड रेट मिला था, जिसके चलते किसानों ने इस साल भी सबसे ज्यादा कपास की खेती पर जोर दिया, लेकिन प्रकृति की बेरुखी ने कपास की फसलों को बर्बाद कर दिया और बचा कुछ असर बाजार में मिल रहा है कम रेट ने पूरी कर दी। किसानों का कहना है कि उन्होंने जमीन में जो कपास की खेती की थी, जिसकी वो कटाई शुरू करने ही वाले थे, कि बेमौसम बरसात में आधे से ज्यादा की फसल खराब हो गई। खेतों में पानी जमा होने से कपास की बांड सड़ गई, इससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। साथ ही नुकसान हुए फसलों का अभी तक पंचनामा तक नहीं हुआ है। ऐसे में किसानों के घाटे की भरपाई कैसे हो पाएगी? बाजार में कपास की आवक कम होने के बावजूद कम भाव मिल रहा है। ऐसे में किसानों का कहना है कि शुरुआत में ये हाल है तो आगे क्या होगा। इसीलिए कुछ किसानों ने अभी से कपास का स्टोरेज करने पर ध्यान दिया है। राज्य में भारी बारिश से फसलों के हुए नुकसान का जायजा लेने कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कई जिलों का दौरा भी किया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि 15 दिनों में किसानों के खाते में सहायता की राशि आ जाएगी, लेकिन वहीं जालना जिले के किसानों का कहना है कि कृषि विभाग में फोन कर फसलों को हुए नुकसान की शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई पंचनामा तक नहीं आया, सहायता राशि की तो बात दूर की है। ऐसे में किसानों को चिंता सता रही है कि आगे वो खेती कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।